हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आईपीएल के 52 मैच के बारे में बात करेंगे जो कि बेंगलुरु और गुजरात के बीच होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टेबल में 8वें नंबर पर गुजरात है और 10वें नंबर पर बेंगलुरु। गुजरात ने अपने 4 और बेंगलुरु ने अपने 3 मैच जीते हैं और बेंगलुरु ने अपने 10 मैच खेलकर रन रेट -0.4 के करीब मेंटेन किया है और वहीं गुजरात ने 10 मैच खेलकर -1 के करीब, जिसकी वजह से गुजरात ऊपर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम हैं TCTD Predictions, टेलीग्राम के दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट टिपिंग चैनल। पिछले 6 सालों से हम अपने पंटरों को सबसे बेस्ट काम देते आ रहे हैं। लॉस कट, बुक सेट और सेशंस या मैच विनर, हम हैं सबसे आगे और सबसे सटीक। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बाकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा, जो कि काफी स्कोरिंग स्टेडियम है और यहां पर बैटर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम 42% मैच जीतती है और वही पहले बॉलिंग करने वाली टीम 57% मैच जीतती है। हाईएस्ट टोटल देखें तो यहां पर अभी तक 287 रन हाईएस्ट बने हैं और वहीं 82 रन्स यहां के लोएस्ट स्कोर्स हैं। बाकी दोस्तों, वेदर रिपोर्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर बारिश होने की संभावना 20% है। लास्ट 5 मुकाबले देखें तो बेंगलुरु ने अभी अपने 2 मैचेस जीते हैं और वही गुजरात ने भी 2, और वही इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो 2 मैच बेंगलुरु ने जीता है और 2 गुजरात ने। साथ ही इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यह 6 खिलाड़ी इस मैच के इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो इन 6 खिलाड़ियों पर आप खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों, विनर की बात करें तो हमारे हिसाब से इस मैच में बेंगलुरु जीतते हुए नजर आ रही है। बाकी आपको टॉस और विनर की लेटेस्ट अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक नए मैच और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।